फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो हमारा सर्विंग इंजीनियरिंग में टॉपिक है वो केवल आज के लिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कंपास से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हो कंपास हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का जो कंटेंट रहने वाला है क्वेश्चंस का, उसमें मिक्सअप क्वेश्चंस है। मेरा कहना मतलब ये है कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और फ्रेंड्स आपके थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अब आपके सामने मैं लगाने वाला हूँ, ये देखना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखना फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि एक डिस्क्रिपेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन, ये कह रहा है कि जो डिस्क्रिपेंसी होती है ये किस किस के बीच का डिफरेंस है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग होता है एक असंगत कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से ये भी डिफरेंस ही, इसका मीनिंग भी हिंदी में डिफरेंस ही होता है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग भी एक तरीके से डिफरेंस ही होता है। क्लियर फ्रेंड, तो ये कह रहा है कि जो डिस्क्रिपेंसी वाला डिफरेंस है ये किन किन के बीच का अंतर होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू वैल्यू एंड एरर, ट्रू वैल्यू और एरर के बीच का। ठीक है, जब ट्रू वैल्यू आपके पास है तो क्या कोई इसमें एरर होगा? नहीं होने का। नेक्स्ट मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट कह रहा है टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी, आप कह रहा है कि समान क्वांटिटी की मेजर की गई दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस, बिल्कुल सही है। तो आप याद रखोगे ये जो डिस्क्रिपेंसी डिफरेंस होता है ये दो मेजर्ड वैल्यू, सेम क्वांटिटी की अगर दो वैल्यू आप मेजर करते हो तो उनके बीच के डिफरेंस को डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर सेम क्वांटिटी की दो वैल्यू मेजर कर रखी है तो उनके बीच तो कोई डिफरेंस नहीं होने का, तो इस प्रकार के डिफरेंस को डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड, अगर आपके पास 25 डिग्री 10 मिनट और एक दूसरी वैल्यू आपके पास 25 डिग्री 10 मिनट है तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो निकल के आया है यहाँ पर, इसी को कहेंगे फ्रेंड डिस्क्रिपेंसी। क्लियर, तो डिस्क्रिपेंसी एक इस प्रकार का डिफरेंस है जो समान क्वांटिटियों के बीच में चेक किया जाता है। क्लियर फ्रेंड, तो ये आगे फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, सेकेंड क्वेश्चन देखना। तो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड आपका ये, इसमें कह रहा है ये द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की जो लाइन है वो आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पैरेलल होती है। ये कह रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की जो क्रिया रेखा है, दोबारा सुनो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लगने वाले बल की जो क्रिया रेखा है वो पृथ्वी की सरफेस के समांतर है, पृथ्वी की सरफेस के समांतर है। ठीक है, ये तो उसने कह दिया। तो पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, ऑप्शन देखकर हमें पता लग रहा है कि ये जो समांतर है पृथ्वी के सरफेस के किस स्थान पर है, पृथ्वी के किस पोर्शन पर है ये बताना है। फर्स्ट कह रहा है कि नियर टू द पोल्स, कि जो आपको मैंने ये अर्थ सरफेस बताई थी, ठीक है, इस पर ये पोल्स थी और ये हमारा इक्वेटर था, इसको हमने क्या कहा था फ्रेंड्स, इसको हमने कहा था पोल्स और ये क्या था हमारे पास इक्वेटर, ठीक है, और पूरी ये अर्थ सरफेस। तो ये कह रहा है कि नियर द पोल, पोल के पास, पोल के पास भाई ये पोल है और ये अर्थ सरफेस है, ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो यहां तो पैरेलल नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा। एट राइट एंगल टू द पोल्स, बात वही है जो वहां मैंने आपको बता दिया कि पोल से 90 डिग्री पर, पोल से जब 90 डिग्री बता रहा है तो पैरेलल कहां से आ जाएगी। ठीक है, एट 45 डिग्री टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग, बात ये है कि एंगल तो होने का ही नहीं, समझिए ना, एंगल पे तो पैरेलल है तो एंगल तो होने का नहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये अर्थ सरफेस है और ये इक्वेटर लाइन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है लगभग, तो नियर द इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा जो होती है इसके पैरेलल वाला सरफेस पाया जाता है, अर्थ सरफेस के पैरेलल। क्लियर फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक नीडल, ठीक है,
यानी कि नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है इज जनरली साधारणतः सपोर्टेड ऑन, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है साधारणतः किसके ऊपर सपोर्ट रहती है, उसे सपोर्ट कौन देता है, ठीक है। तो ये कुछ बेरिंग बताई गई है, बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, नीडल बेरिंग है, जेवल बेरिंग। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो जेवल बेरिंग है यही आपके मैग्नेटिक कंपास की नीडल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्लियर। यही आपके मैग्नेटिक कंपास की नीडल को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्लियर फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है, अभी शेयर कर दो, ठीक है, फिर कंप्लीट इसको देखते रहना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखोगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बताइए क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है अब तो ये, ठीक है, तो एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है 82 सही 1/2 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। ये इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जो कि आपको याद रखना है। तो देखोगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो हलचल है मोशन है टू द सन, सन के सापेक्ष, ठीक है, मतलब सन और सूर्य का जो घूमना है वो किस एंगल पर होता है, फाइनली बस आपसे पूछ रहा है, ये मैं आपको आपके नोट्स में भी बता चुका हूँ, क्लियर फ्रेंड्स। तो इनका जो मोशन होता है 23 degrees 27 minutes, ठीक है, अर्थ और सन का जो मोशन है किस मोशन पर, किस एंगल पर ये हलचल करते हैं, वो एंगल है 23 degrees 27 minutes, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा था इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल, मैंने आपको बताया था कि जब हमें ऑबलेट स्फेयर से, पृथ्वी की ऑबलेट स्फेयर से प्राप्त होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होती है यह आपको बताना है, क्लियर फ्रेंड। तो एक इलेक्ट्रिकल सिटी जो इक्वल होती है यह आपको याद रखनी है 1/279, ठीक है, यानी एक तरीके से ये इसका एक रेशो है, ठीक है, 1/279 एक इलेक्ट्रिकल सिटी को कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। देखोगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज, एक लाइन ए बी आपको दे रखी है जिसकी बेरिंग है 150 degrees एंड द एंगल ए बी सी है, और एक एंगल दे दिया आपको ए बी सी जिसका वैल्यू है 124 degrees। तो ये पूछ रहा है कि द बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, तो बी सी की बेरिंग क्या होगी आपको बताइए, क्लियर फ्रेंड। तो देखना, मान लो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये इसकी नॉर्थ साइड होती है, ये लाइन हमारे पास कोई ए बी, तो ए बी ये मान लिया अपना कोई लाइन हमारे पास ए बी, आपको देख रखा है कि जो ए बी की बेरिंग है फ्रेंड 150 डिग्री है, तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से ही मेजर करनी है, तो 90 हो जाएगा यहां तक 90 और ये आपका 180, तो 180 से कुछ कम, तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगी हमारे पास 150 डिग्री इसकी बेरिंग ए बी की, क्लियर। और इसका एंगल आपको दिया है ए बी सी, यानी कि हमारे पास कोई सी पॉइंट भी है, तो देख लेते हैं कि हमारे पास कोई यहां पर सी पॉइंट है, ठीक है, ये कोई हमारे पास यहां पर सी पॉइंट है, क्लियर फ्रेंड। तो इनके बीच का एंगल ए बी सी, यानी कि ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको कितना दे रखा है फ्रेंड, ये एंगल आपको दे रखा है 124 degrees, 124 डिग्री आपको दे रखा है, तो बेरिंग ऑफ बी सी आपको बतानी है। तो बी सी की बेरिंग यानी कि जो नॉर्थ से आपने मेजर की होगी, यानी कि ये बेरिंग कितनी होगी ये आपको बतानी है, ये वाली बेरिंग हमें निकालनी है। तो फ्रेंड देखो इजी बन गया है तो क्वेश्चन, देखना कैसे, आप देख रहे हो कि आपके पास ये एंगल पूरा कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक का ये कितना होता है, ये एंगल फ्रेंड हमारे पास 180 डिग्री है, होता है ना, और यहां तक उसने दिया है 150 डिग्री, यदि इसे 180 में से ये 150 निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ना ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 - 150 ये आपके पास आ गया 30 डिग्री, क्लियर फ्रेंड। अब देखना
ये अगर आपके पास 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो फ्रेंड बता सको कि ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, एक ही लाइन पर बने कोण है ये, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी तो आपका 30 ही हो जाएगा ना, ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये हमें पता लग गया और ये हमें निकालना है और हमारे पास ये पूरा है। यदि मैं इस 124 में से, याद रखो इसकी वैल्यू ये, यदि 124 डिग्री में से ये 30 डिग्री निकाल दिया जाता है, 30 डिग्री निकाल दिया जाता है तो ये बचेगा 94 डिग्री, ये बचेगा। तो भाई साहब ये जो 94 डिग्री बचा ये क्या बचा है, ये यही तो बच गया, ये एंगल तो बच गया, क्लियर ना। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। बाकी आपके पास एक ब्रह्मास्त्र भी है जो मैंने आपको लिखवा रखा है, फॉर्मूला एंगल निकालने का, फॉरवर्डिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन एंड बैकवर्डिंग ऑफ प्रीवियस लाइन लिखवा रखा है ना, तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। आप इसको नोट करोगे, देखो उससे आपको बताता हूँ कैसे होगा, ये हो गया, देखो नेक्स्ट मेथड से कैसे होगा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड से हम कर सकते हैं। आप जानते हो कि एंगल जो हमें दिया है ये ए बी सी बराबर फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन की फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, लिखवा रखा है ना फॉर्मूला ये प्रीवियस लाइन। तो हमें एंगल दिया है फ्रेंड्स 124 डिग्री, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन फोर बेरिंग कौन सी थी, यानी कि बी सी, ये है ना आपके पास, ये ए था, ये आपका बी, ये सी, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन ऑफ फोर बेरिंग, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं, इसे हम मान लेते हैं कि हमें तो निकालना है, ठीक है। ये हमें क्या करनी है, निकालनी है माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन कौन सी होगी, ये वाली। अब इसकी तो बैक बेरिंग निकालनी है, लेकिन इसकी तो हमें फोर बेरिंग दे रखी है, ठीक है, हमें तो ये दे रखी है और हमें इसने कहा ये वाली है, तो इसको निकाल देंगे। फोर बेरिंग बैक बेरिंग हमारे पास 150 डिग्री है, तो फोर बेरिंग निकालने के लिए क्या करूं फ्रेंड में बताइएगा, फोर बेरिंग निकालने के लिए क्या किया जाए, फोर बेरिंग निकालने के लिए 150 से 180 से कम है तो इसमें 180 जोड़ दो, 180 ज्यादा होता तो घटा देते, तो यानी कि इसको मैं 180 में ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगी मेरे पास 180 प्लस 150, ठीक है। तो इसको उठा के इधर ले आओ, 124 डिग्री, ये इधर माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना 100, 200, 280, 230 हो जाएगा, ये 330 डिग्री, 330 और 124 डिग्री कितना बन गया फ्रेंड, ये हो जाता है आपके पास 454 डिग्री। अब आप देख रहे 454 डिग्री तो सर्कल से भी आउट हो गया, सर्कल पूरा 360 का होता है। अब 360 इसमें से माइनस कर दो, तो 360 अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 94 डिग्री, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इन दो को दो मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हो, क्लियर फ्रेंड। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्लियर फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ जियोडी मीटर 510 की एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बताइए क्या होती है। फ्रेंड्स हमारे पास जो ये जियोडी मीटर है ये ईडीएम मेजरमेंट का ही एक एपरेटस होता है, ठीक है। ईडीएम मैंने आपको पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो हमारे पास है, इक्विपमेंट जो हमारे पास है, तो उसी का ही एक ये मीडियम रेंज होती है जीओडी मीटर। तो आप इसको लिख सकते हो कि जीओडी मीटर इज ए मीडियम रेंज ऑफ ईडीएम इक्विपमेंट, ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे। जो हमारे पास ईडीएम इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट उपकरण जो हमारे पास है, उसी की ही एक मध्यम रेंज होती है जीओडी मीटर, लगभग लेस देन होती है ये, लेस देन 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से कम की वैल्यू मेजर कर सकता है,
ठीक है फ्रेंड। तो इसकी जो रेंज है 5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की रहती है, 5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो, इट हैज ए रेंज 5 किलोमीटर इन डे लाइट, दिन की लाइट में 5 किलोमीटर, ठीक है याद रखोगे। इट हैज रेंज 5 किलोमीटर इन डे लाइट, दिन की जो प्रकाश होता है उसमें 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आती है। एंड अबाउट 25 किलोमीटर इन नाइट, इन नाइट यूजिंग, जब हम एक मरकरी लैंप का यूज करते हैं, यूजिंग मरकरी लैंप, क्लियर फ्रेंड, यूजिंग मरकरी लैंप। तो याद रखोगे कि जो इसकी रेंज है लेस देन 25 किलोमीटर होती है, ये 25 की रेंज में ऐसे डिवाइड कर दी गई है कि 5 किलोमीटर लगभग ये दिन के प्रकाश में यूज होता है और अबाउट 25 किलोमीटर के लगभग ये नाइट के प्रकाश में यूज करते हैं जब हम मरकरी लैंप का इसके अंदर प्रयोग करते हैं, क्लियर फ्रेंड। तो बस याद रखो कि जियोडी मीटर 510 एक ईटीएम इक्विपमेंट का ही पार्ट है, क्लियर। तो ये कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, इसका कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि जो इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है प्लस माइनस 5.1 सेंटीमीटर का इसका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, क्लियर फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि बेरिंग ऑफ एबी इज नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, एक एबी लाइन की बेरिंग हमारे पास नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट है और बीसी की बेरिंग हमारे पास साउथ 70 डिग्री ईस्ट है, तो आपका एंगल बताना है एबीसी क्या होगा, क्लियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या होगा, पहले नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, तो ये होता है इसका नॉर्थ, आप जानते हो इधर होता है ये वेस्ट, तो नॉर्थ से 40 डिग्री वेस्ट पर हमने कोई बेरिंग माप रखी जो हमारे पास है 40 डिग्री, क्लियर। तो ये किसकी है, ए बी लाइन की, तो मान लीजिए हमारा कोई इधर बी पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट, ठीक है, तो ए बी लाइन की बेरिंग नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट थी, तो ये नॉर्थ से वेस्ट की ओर 40 डिग्री। अब क्या रहा है कि कोई लाइन हमारे पास बी सी है, बी और सी कोई बेरिंग है जिसकी बेरिंग साउथ 70 डिग्री ईस्ट है, तो फ्रेंड हमारे पास यहां पर, हमारे पास यहां पर एक कोई और लाइन है, ये बीसी, क्लियर फ्रेंड, बीसी कोई लाइन है और इसकी बेरिंग इसने साउथ से, ये होता है साउथ और इधर होता है ये ईस्ट, साउथ से ईस्ट की ओर, साउथ से ईस्ट की ओर लगभग कहीं यहां तक जा रही होगी, साउथ से ईस्ट की ओर ये आपको दे रखी है 70 डिग्री, क्लियर फ्रेंड, साउथ से ईस्ट की ओर ये कोई 70 डिग्री आपको दे रखी है। अगर इसको एक्चुअल बनाए डायग्राम तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ये लाइन यहां से जा रही होगी, ठीक है, ये ऊपर है क्योंकि ये तो आप देखते हो ना ये 90 डिग्री होता है, इसने केवल कहां तक कहा हमें, इसने कहा हमें 70 डिग्री केवल, तो 70 डिग्री हमारा कहां तक बैठ सकता है, तो 70 डिग्री फ्रेंड ये होगा हमारे पास, क्लियर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 70 डिग्री, समझ गए ना मेरी बात को भाई, ये आपके पास पूरे 90-90 के क्वाड्रेंट होते हैं ना, उसने 70 कहा है, तो यहां से साउथ से ईस्ट की ओर 70 डिग्री चलती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब आप क्या काम करो, हमारे पास जो ये एंगल बना ए बी और सी, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये मेरी बताओ कितनी होगी, ये एंगल बताना है कितना होगा, तो फ्रेंड देखते हैं कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन बन गया भी हमारे पास, डायग्राम अगर आपसे बनाना आता है तो क्वेश्चन वेरी सिंपल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम बनाना सीख जाओ, क्लियर। तो देखो अगर आपके पास नॉर्थ से वेस्ट की ओर 40 डिग्री ये दिया गया है तो बता सकोगे अगर ये मेरी 40 है तो ये कितनी होगी भाई, ये कितनी होगी, अब इसकी शक्ल सूरत देखने से तो ऐसा ही लग रहा कि हम कहीं पीछे ही पड़ा गई, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 40 होगा, ठीक है, अब ये 40 है और ये 70 है, समझिए ये 70 और ये 40, इस 70 में से अगर इस 40 को निकाल दे तो ये तो बच जाएगा,
तो यानी कि 70° - 40° कितना आ गया 30° इसका आंसर आ गया। क्लियर फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30° इसका इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो देखना फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि प्रिज्मेटिक कंपास, एक प्रिज्मेटिक कंपास में ये बताना है, प्रिज्मेटिक कंपास मैं आपको कल पढ़ा चुका था, ठीक है, तो ये ऑप्शन देखने हैं इसमें। तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक नीडल मूव्स विद द बॉक्स, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक नीडल बॉक्स के साथ घूमती है। द लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विद द बॉक्स, लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा बॉक्स के साथ गति नहीं करती। द मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल जिसके ऊपर मार्किंग पड़ी रहती है ये दोनों बॉक्स के साथ मूव नहीं करते। बिल्कुल सही आंसर है, कल बंदा बताया था कि ग्रेजुएटेड सर्कल और नीडल बॉक्स के साथ, सर्कुलर बॉक्स के साथ गति नहीं करते, जबकि सर्वेयर में ऐसा होता है। क्लियर, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखना फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डब्ल्यू सी भी दे रखी है लाइंस की, और लाइन आपके पास ओपी और ओक्यू, ठीक है, दो लाइन है ओपी और ओक्यू जिनकी डब्ल्यू सी भी आपको गिवन है ये, ठीक है, ये डब्ल्यू सी भी दे रखी है। तो ये पूछना क्या चल रहा है, ये कह रहा है कि वैल्यू बताइए इंक्लूडेड एंगल की कितनी होगी, क्यू ओपी एंगल बताइए। तो देखना कैसे, आपके पास ये क्वाड्रेंट होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, डब्ल्यू सी बी है, तो फ्रेंड डब्ल्यू सी बी ऑलवेज कहां से मेजर करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिशा में, इतना जानते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिशा में डब्ल्यू सी बी मेजर की जाती है। क्लियर, इनका ओ बिंदु कॉमन है, तो ये मान लो ओ पॉइंट, ये आपने मान लिया इनका एक ओ पॉइंट है, ठीक है, यहां से 18° 15 मिनट, भाई ये 0° होता है और ये 90°, तो 18°, तो मतलब यही से भी मेजर होनी शुरू हुई है, ठीक है, तो 18° 15 मिनट कहीं ये रही होगी, ये क्या रही होगी 18° 15 मिनट, ठीक है, कौन सी लाइन ओपी लाइन, तो ओपी लाइन 18° 15 मिनट है। नेक्स्ट वो क्या रहा है कि आपके पास जो ओक्यू लाइन है उसकी वैल्यू है आपके पास 335, तो ये भी यहीं से मेजर की गई होगी, यानी कि यहां से मेजर की गई होगी, ये 180 चली, ये 270 चली, और वो 335 है, क्योंकि वापस पहुंचते समय यहां पर कितना रहता है हमारे पास, ये 360, तो 180 और का 270 और ऊपर चले, ये कहीं जाकर आपको मिलेगा 335, तो ये कहीं आपकी वैल्यू बन जाएगी पूरी 345 मिनट। क्लियर फ्रेंड, तो मतलब क्लॉक आपका डब्ल्यू सी बी है, तो समझ जाओ क्लॉकवाइज दिशा में नॉर्थ से ही मापना है, चाहे वैल्यू कितनी भी लिखी हुई हो, ठीक है, तो ये आपका 335, तो ये वैल्यू, ये लाइन कौन सी बन गई हमारे पास ओक्यू, तो ओपी और ओक्यू। अब वो मालिक आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि आप क्यों ओपी बताइए, क्यों ओपी, क्यों ओपी यानी कि आपको फ्रेंड ये एंगल बताना है, ये एंगल आपको बताना है, तो सर्कल सूरत देखकर तो समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए। आप देखते हो कि पूरा सर्कल हमारे पास, जो ये पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल हमारे पास कितने का होता है, पूरा सर्कल हमारे पास होता है 360 का। यदि इस 360 में से ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन, यदि इस 360 में से ये इतना पोर्शन निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, और ये पहले से ही है, हमें निकालना भी ये पूरा ही है, हमें निकालना भी यही है। तो आप क्या काम करो, इस 360 में से 360° - 335° 45 मिनट निकाल दो, ठीक है, ये अगर आप निकालते हो तो सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 24° 15 मिनट, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कौन सी आई है, ये आई है आपके पास 24° 15 मिनट, ये और प्लस ये, दिस प्लस दिस दोनों ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, तो 24° 15 मिनट 18° 15 मिनट, तो 30 मिनट, 8 4 12 2 3 2 3 4, तो 42° 30 मिनट इसका आपका आंसर आ गया। क्लियर फ्रेंड, 42° 30 मिनट आपका क्या आया था आंसर। क्लियर, तो क्वेश्चन समझ में आया, डायग्राम बना लिया करो पहले,
तो क्वेश्चन इजी बन जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ फिर इसको एंड करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड, ये कह रहा है कि डब्ल्यू सी बी ऑफ लाइन ए बी, ए बी लाइन की डब्ल्यू सी बी आपको दे रखी है 50 डिग्री एंड बी सी लाइन की आपको बेरिंग दे रखी है 120 डिग्री। तो आपको डिफ्लेक्शन एंगल ना कि इनक्लूडेड एंगल, इनक्लूडेड एंगल अलग चीज है, डिफ्लेक्शन एंगल अलग चीज है। जो किसी लाइन से डिफ्लेक्ट होकर बन रहा हो, विस्थापित होकर बन रहा हो, उसको बोलते हैं विस्थापन कोण, डिफ्लेक्शन एंगल एट बी फ्रॉम ए बी टू बी सी। देखो डायग्राम से समझना, आपके पास कोई लाइन है ए बी, ठीक है फ्रेंड, आपके पास कोई लाइन है ये ए बी, ये हमने मान लिया कोई ए पॉइंट और ये हमारे पास इधर है कोई बी पॉइंट। क्लियर फ्रेंड, ये हमने मान लिया कोई बी पॉइंट। तो ये कह रहा है कि ए बी लाइन की बेरिंग 50 डिग्री है, तो डब्ल्यू सी बी है तो नॉर्थ से मेजर की जा रही होगी, ये होगी 50 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बीसी की बेरिंग हमारे पास 120 डिग्री है। अब बीसी की बेरिंग मान लो 120 डिग्री कहा है इसने बीसी, तो देखो 90 है तो बीसी का यहां बैठेगी आकर, ठीक है, ये कहीं ये होगा बीसी, समझ गए ना, ये ऐसे क्यों बनाया 90 है 180 होता पूरा, तो 120 भाई कहीं को तो आ रहा होगा, तो ये होगा आपके पास क्या 120 डिग्री। क्लियर, अब सुनोगे क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि ये जो आपकी ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को ऐसे जाना था, ये ऐसे जानी थी ए बी लाइन, बट बी पॉइंट पर जाकर ये डिफ्लेक्ट होगी और बी सी बनेगी, समझिए, ये ए बी लाइन ऐसे जानी थी बट बी पॉइंट पर जाकर ये एक एंगल ने इसको विस्थापित कर दिया। इसने कहा एंगल ने कि इधर जाने से बजाय आप इधर जाओ, तो इसने इसको इधर मोड़ दिया किसी एंगल पर, तो जितने एंगल पर इसको इधर मोड़ दिया गया है वो एंगल आपको बताना है कि कितना एंगल पर ये मोड़ी गई है, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है, आई बात समझ में, तो ये एंगल निकालना है ना कि ये। क्लियर, डिफ्लेक्टर डिफ्लेक्शन एंगल वो आपसे पूछ रहा है, इनक्लूडेड एंगल वो नहीं पूछ रहा। तो डिफ्लेक्शन कहां हुआ, ये बी पॉइंट पर सी की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, कितना एंगल पर हुआ वो एंगल को बताना है। तो देखो अगर हमारे पास ये 120 है, अगर हमें ये मिल जाए तो हम इसे ये अगर हमें मिल जाता है 120 में से निकाल दिया, इतने हिस्से को अगर 120 में से निकाल दिया जाता है तो ये एंगल बच जाएगा। देखना, ये अगर आपके पास 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी तो 50 होगा या नहीं होगा। और आमने सामने के सम्मुख कोण जिनको बोलते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वे इक्वल होते हैं, अगर ये 50 है तो ये भी आपका क्या होगा 50 होगा। ठीक है, अब मिल गया 50, अब इस 50 को 120 में से निकाल दो, 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका एंगल आ गया 50 120 में 50 है, कितने बच गए फ्रेंड 70, तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 70 डिग्री क्या आ गया आपका राइट आंसर आ जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन, एक लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग ये है 55 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और जो ये बेरिंग दी गई है ऑन फुल सर्कल मैंसुरेशन बेसिस, यानी पूरे सर्कल के आधार पर ये बेरिंग दी गई है। ठीक है, अगर मेजर की जाती है पूरे सर्कल पर की जाती है, एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज ये, और जो चुंबकीय दिक स्थापन है, ठीक है, चुंबकीय दिक्पात जो आपके पास है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन चुंबकीय दिक्पात वो इतना है, तो ट्रू बेरिंग बताइए क्या होगी, ट्रू मैग्नेटिक बेरिंग बताइए क्या होगी, यानी कि यही मैग्नेटिक बेरिंग है और इसी में ही इतना विस्थापन हो रहा है, तो अब ये वास्तव में कितनी है उसी को ये ट्रू बोल रहा है। तो देखना, ये क्वाड्रेंट होता है आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसमें कहा है कि आपके पास जो डिक्लाइनेशन आ रहा है 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की ओर है, यानी कि यहां से एक लाइन विस्थापित हुई कितने एंगल पर 5 डिग्री 30 मिनट पर। ठीक है, और फिर यहीं से एक बेरिंग है हमारे पास 55 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है भाई, रीडिंग हमारे पास ये है और इतना उसके अंदर विस्थापन है, यानी कि विस्थापन हुआ तब जाकर ये रीडिंग मिली। ठीक है,
तो आपने क्या काम किया, इतना विस्थापन हो गया, लेकिन वैल्यू जो आपने मेजर कर दी, यहां से मेजर कर दी, ये वैल्यू आपने मेजर कर दी, ये 55 डिग्री 30 मिनट, इतना विस्थापित होने के बाद आपने वैल्यू मेजर की। हालांकि यहां से करनी चाहिए थी, यहां से करते तो ये ट्रू बेरिंग होती, लेकिन आपने क्या काम करा, यहां से की, यानी कि इतना विस्थापन होने के बाद आपने वैल्यू माफ कर दे दी, तो ये वैल्यू कम हुई या नहीं हुई। अब वास्तव में कितनी है ये, वास्तव में तो यहीं से होगी ना, तो वास्तव में यहां पर आप जब इसकी ट्रू मैग्नेटिक बेरिंग निकाल लोगे, ट्रू मैग्नेटिक बेरिंग क्या होगी, ये जो आपने मेजर की वो, ठीक है, और इसमें कितना विस्थापन हुआ ये, यानी ये दोनों को जोड़ दोगे तो आपका ट्रू आंसर आ जाएगा। क्लियर समझ में, 55 और 5 60 हो गए, 30 और 30 60, 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, यानी कि 61 डिग्री 00 मिनट। समझ गए ना फ्रेंड, ए इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड, तो आज के लिए इसमें इतना ही रखोगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके नोट्स में लिखवा चुका हूं, मैं सभी क्वेश्चंस नहीं करा। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट आपका मंडे में स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक को, कंपास एंड हो गया, चेन सर्वे एंड हो चुका है, और आपका फ्रेंड इंट्रोडक्शन एंड हो चुका है। तो मंडे में जो हमारा नया टॉपिक चलेगा वो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक चलने वाला है थियोडोलाइट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर थियोडोलाइट, क्योंकि थियोडोलाइट को पढ़ लेने से हमें इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है ट्रेवर्स, हमें इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है ट्रेवर्स। हालांकि ट्रेवर्स का नाम कंपास में चल रहा था, बट थियोडोलाइट का पोर्शन अगर पढ़ लेते हैं तो ट्रेवर्स हमारे पास डीपली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेवर्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें थियोडोलाइट बार बार यूज होगा, थियोडोलाइट का वर्ड बार बार ही आएगा, इसलिए हम पहले थियोडोलाइट को पढ़ लेते हैं फिर हम ट्रेवर्स पढ़ेंगे, ताकि आपका एक सीरीज बनी रहे। ठीक है, जो कड़ी हम जोड़ते हुए चल रहे हैं वह कड़ी आपस में जुड़ी रहे। क्लियर फ्रेंड्स, ओके, तो मिलते हैं मंडे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है थियोडोलाइट। क्लियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे में, धन्यवाद, थैंक यू।